बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं अब्बास फार्मिंग यूट्यूब चैनल। काश्तकार दोस्तों, आज हम एक एक ऐसे सहरा यानी थर के एक डब्बे के ऊपर हैं जहाँ 50 एकड़ पर ड्रिप एरीगेशन की गई है। ड्रिप एरीगेशन ऐसी हालात में इस दौर में जहाँ मौसमियाती तब्दीली का हमें सामना करना पड़ रहा है और दिन ब दिन पानी की कमी का सामना है, वहाँ ड्रिप एरीगेशन किसी नेमत से कम नहीं है। तो आपको 50 एकड़ पर मुश्तमिल एक फार्मर का फार्म विज़िट कर रहा हूँ, जो 50 एकड़ पर उन्होंने ड्रिप एरीगेशन करके सहरा थर का एक डिब्बा है रेगिस्तान का, जो बड़ा धड़ा है उसको आबाद करने की एक फार्मर कोशिश कर रहा है ड्रिप एरीगेशन के थ्रू। तो जैसे कि मैंने बताया, पानी की कमी है हमें, तो हम अपने खेतों और जो हमारा पाकिस्तान में निज़ाम है वो तीन तरह का है। एक तो है नहरी निज़ाम, दूसरा स्प्रिंग तरीका, तीसरा है ड्रिप एरीगेशन सिस्टम। ये ड्रिप एरीगेशन सिस्टम है एक बिल्कुल पानी के डिब्बे हैं जहाँ ऊपर उन्होंने जो है 50 एकड़ पर खजूर और आम कीनू के दरख्त लगाए उन्होंने। तो आपको ये वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि आप भी मॉडर्न एग्रीकल्चर पर आएँ, अपनी जो भी ज़मीन है वीरान पड़ी हुई पानी की कमी की वजह से, थोड़ा सा उस पर ख़र्चा करके उनको हम आबाद कर सकते हैं, सरसब बना सकते हैं। तो एक ये वीडियो मकसद बनाने का वैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यही है कि आप इससे देखें और मॉडर्न एग्रीकल्चर पर आएँ, अपनी ज़मीन को अपने मुल्क को सरसब बनाएं। इससे क्या होगा कि हमारी जो वीरान ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ वारी के डब्बे पड़े हुए हैं, वो इससे आबाद होंगे, सरसब होंगे, इससे एक ग्रीन रिंग सरसब्ज तह बना देंगे। तो हमारी मौसमियाती तब्दीली के जो है आ रही है उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि दरख्त ज़्यादा होंगे तो मौसमियाती तब्दीली और जो ज़्यादातर गर्मी है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, सर्दियों की शिद्दत, उसमें भी कमी आएगी। ये देखिए आप, ये खजूर हैं, ये 1 साल के खजूर हैं, हो गई हैं ये अब, और आम के दरख्त भी हैं इसके नीचे। मैं कुछ वजूहात की वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहरहाल खजूर को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो अब हर तरफ ये ऊपर है बिल्कुल, जैसा कि आप, ये बिल्कुल रेत है जहाँ इन्होंने ड्रिप एरीगेशन किया। आप भी ड्रिप एरीगेशन